हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सोनी 210 एक्सीलेटर का प्राइस एंड डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहे, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दोगे, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एक्सीलेटर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें, मैं आपको वीडियो को दोबारा रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंजन मॉडल की बात करते हैं। तो इसका इंजन मॉडल कॉमन 6BT59C140 है। इसका इंजन टाइप की बात करें तो 6 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूलर डीजल इंजन है। इसका इंजन पावर की बात करें तो 140 हॉर्स पावर एंड 104 के वाट एट 2000 RPM है। और इसका इंजन स्टार्टर सिस्टम की बात करें तो 24 वोल्ट का है, इसीलिए 12 वाट का दो बैटरी दिया गया हुआ है। और इसका जो इंजन है ऑटोमेटिक आइडलिंग सिस्टम है एंड वन टच पावर बूस्ट है। इसमें इंजन ऑयल 14 लीटर लगता है। इसका इंजन ऑयल और इसका इंजन ऑयल फिल्टर दोनों ही 250 घंटा या फिर 300 घंटा पे चेंज करना होता है। इसमें इंजन कूलेंट 24 लीटर लगता है। इसका डीजल टैंक 340 लीटर का है। और इसका माइलेज की बात करें तो 14 से लेकर 16 लीटर पर आवर तक रहता है। और अब हम इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसका जो मेन पंप है 2 वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सल पिस्टन पंप मौजूद है। और इसका मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो की बात करें तो 2+210 LPM है, यानी कि L पर मिनट है। और इसका जो हाइड्रोलिक टैंक है वो 180 लीटर का है। और इसका टोटल हाइड्रोलिक सिस्टम 239 लीटर का है। और इसका हाइड्रोलिक ऑयल आपको 2000 घंटा पे चेंज करना होता है, और इसका हाइड्रोलिक फिल्टर 1000 घंटा पे चेंज करना होता है। और इसका ट्रेवल स्पीड लो में 3.3 किलोमीटर पर आवर है, और हाई में 5.4 किलोमीटर पर आवर है। और इसका स्विंग स्पीड 11 RPM है, यानी कि 1 मिनट में 11 बार स्विंग कर सकता है। और इसमें ट्रैक शू एक साइड में 45 लगे हुए हैं। और इसके ट्रैक शू की चौड़ाई की बात करें तो 600 mm है। अपर रोलर एक साइड में 2 लगे हुए हैं, लोअर रोलर एक साइड में 7 लगे हुए हैं, और ट्रैक गार्ड एक साइड में 2 लगे हुए हैं। और इसका जो बूम लेंथ है वो 5700 mm है, और इसका आर्म लेंथ 2400 mm है। और इसका जो बकेट है 0.93 M3 का बकेट मौजूद है। और इसका जो ऑपरेटिंग वेट है 2900 kg है। और इसका वर्किंग मोड की बात करें तो 4 दिए गए हुए HSLB, और साथ ही मशीन के सेफ्टी के लिए इसमें GPS भी मौजूद है। और अब हम इसके केबिन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो आप सीट पे बैठते हैं उससे आपको 360 डिग्री तक का व्यू आपको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको सीट बेल्ट भी मौजूद है, सीट एडजस्टमेंट सिस्टम भी है, यानी कि आप सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसमें AC और म्यूजिक प्लेयर भी मौजूद है, और साथ ही एयर आउटलेट भी मौजूद है। और आपको सीट के पीछे कप बॉक्स भी मिलता है, जहाँ पे आप ग्लास को या पानी का बोतल रख सकते हैं। और साथ ही आपको साइड में देखने के लिए मिरर भी मौजूद है, एंड सेफ्टी हैमर भी मौजूद है। साथ ही आपको हाइड्रोलिक पायलट लॉक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो लीवर है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, साथ ही इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम आपको मौजूद है, और नाइट में काम करने के लिए लाइट भी मौजूद है। और इसके प्राइस की बात करें तो 60 से लेकर 65 लाख के आसपास में रहता है। बाकी अगर आपको लेना है तो ये नंबर पर जरूर संपर्क करें, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उनको कॉल करके पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।